Various India bloc leaders have come out and they have expressed that they will be not able to attend this particular meeting of India bloc, which is all set to take place in Delhi tomorrow. हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं। All the regional parties which are big players in their respective states will not be able to attend. Instead, their representative will be attending this meeting. So a message from these leaders will go out to the to all other leaders of the India bloc. मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। साहब को कमांड दी गई थी मध्य प्रदेश की, उनका अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड, एरोगेंस लेके उनको डूब गया। प्रेस में ये कह देना कि कौन अखिलेश, कहीं ना कहीं जनता बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर हर चीज को वाच करती है। हमने मध्य प्रदेश में केवल 4 सीटें मांगी थी। जिस तरीके से
ओपनली आप इंडिया लाइन की हम बात कर रहे थे और सब लोग साथ में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा था, तो चर्चा हो सकती थी, डिसीजन हो सकता था, अकोमोडेट कर सकते थे, पर इतना अगली स्पैट हुआ जहाँ पे जिस तरीके से बोलचाल हुआ, वाद विवाद हुआ, वो अवॉइड किया जा सकता था। भारी संख्या में बदलाव नहीं होता, पर एक पॉजिटिव, मैं मानती हूँ, एक पॉजिटिव मैसेज जाता कि हम लोग सब एक साथ हैं। पर अगेन मैं कहूँगी, हम फिर से ड्रॉइंग बोर्ड पर जाना कांग्रेस पार्टी को ज़रूरी है, और क्योंकि लीडिंग पार्टी है उनको थोड़ा जेनरॉसिटी दिखाना चाहिए। जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे।